हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मछली के स्टाइल से भिंडी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम भिंडी ले लिया है। इसे हम लोग कट कर लेंगे। इसे बीच में से इस तरह से कट करेंगे ताकि जो रस है वो अंदर तक जाए। सारे भिंडी को हम लोग इसी तरह कट कर लेंगे। अगर आपकी भिंडी छोटी है तो फिर आपको दो कट करने की जरूरत नहीं है। आप साबुती भिंडी रखें, उससे वो देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्टी भी बनता है। इसी तरह से हम सारी भिंडियों को काट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आप मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस तरह से मैं सारी भिंडियों को कट कर लूँगी। तेल गर्म हो गया, इसमें आधा चम्मच मैं मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी दानों को हल्का सा चटकने देंगे। इसके बाद इसमें कटी हुई भिंडी डाल, भिंडी को लाल होने तक फ्राई करेंगे। आइए हम जब तक भिंडी फ्राई होती है इसके लिए मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच पीला सरसों लिया है। आप चाहे तो काला सरसों भी ले सकते हैं। इसमें आधा चम्मच गोलकी लिया है मैंने, काली मिर्च। इसमें 1/4 मैंने प्याज लिया है। इसे हम लोग पीस लेंगे। भिंडी लाल होना शुरू हो गई है। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक जो है वो भिंडी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने डाला है। और इसे हल्का और फ्राई कर लेंगे। भिंडी लाल हो चुकी है, इसे अब हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और फिश प्रिफर करते हैं खाने में, तो जैसा ये मछली का ही स्वाद देगी। जैसा आपको मछली टेस्टी लगता है वैसा ही ये भी टेस्टी लगेगा। और वेजिटेरियन लोग जो मछली नहीं खाते हैं वो भी इसे खाएं, ये बिल्कुल ही मछली के जैसा ही टेस्ट आता है इसका। सारी भिंडियों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। जिस कढ़ाई में मैंने भिंडी को फ्राई किया था उसमें आधा चम्मच मेथी दाना फिर से डालेंगे। और जो हमने सरसों का मसाला तैयार किया था उसे डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हलाते रहेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर मैं लहसुन और आदि का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन आदि का पेस्ट डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। इससे जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। मसालों को 1 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। मसालों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे मसाला जो है अभी भी देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब इस स्टेज पर हम 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे। अगर टमाटर नहीं हो तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, या अभी आम का सीजन है तो आप कच्चे आम का भी यूज कर सकते हैं। उसे पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमें फ्राई करते समय भिंडी को भी डाला था, इसलिए आप नमक ध्यान से डालें और सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर इसे मीडियम फ्लेम पर हम लोग 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। इसे मैं ढक दे रही हूँ और इसे मैं 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। 5 मिनट हो चुका है, मसाले का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का हो गया है और कढ़ाई में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई हुई भिंडी को डालेंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से भिंडी चलाएंगे, नहीं तो भिंडी हो सकता है टूट जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट पता नहीं क्यों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। 2 मिनट तक भिंडी को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। मसालों को अच्छे से फ्राई करना बहुत जरूरी है, सरसों का मसाला, नहीं तो इसमें कच्चापन रहता है, फिर सब्जी में हल्का कड़वापन आ जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो जैसे फ्राई भिंडी थी आप उस तरह से भी भिंडी को खा सकते हैं, या फिर चाहें तो आप पानी डाल के ग्रेवी भी बना सकते हैं। अगर सफर वगैरह में आप ले जाना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी भिंडी को ले जा सकते हैं। सब्जी को हम लोग ढक देंगे और इसे 2 मिनट तक उबलने देंगे। 2 मिनट हो गया है, उबल गई है। एक बार सब्जी को हम लोग मिक्स कर लेंगे। हमारी टेस्टी भिंडी करी बनकर तैयार है। आइए इसे हम लोग सर्व करते हैं। हमारी टेस्टी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है जो बिल्कुल ही मछली का स्वाद देगी। आप एक बार इसे घर पर बनाकर जरूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।